हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ क्लास दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ एक्सरसाइज 1.1 आई थिंक फ्रॉम एनसीईआरटी 0.47 बार रिप्रेजेंट 0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। दिस इज अ 0.47 बार लिखा हुआ। ओके, मैं इस टाइप के क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, आपको लेट कर लेना है दिस वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0.47। ओके, मैंने बताया था बार जिस डिजिट के ऊपर लगा होगा दैट इज अ रिपीटिंग, तो 4.777 लिखा होगा। ओके, दैट इज इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर, तो हमें मल्टीप्लाई किससे कराना होगा, 10 से। 2 डिजिट के ऊपर 100, 3 डिजिट के ऊपर तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 1000 से। लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन दी बोथ साइड। ओके, सो 10x इज इक्वल टू 0.4777 इंटू 10 मल्टीप्लाई करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4.777 इस तरीके से चलेगा ये। तो ये कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 4 प्लस वी कैन राइट इट 77 इस तरीके से चलेगा। अब देखिए यहाँ पे x कितना लिखा हुआ 0.477, बट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0.77। अगर इससे मैं 3 कैरी कर लूँ तो ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.3 प्लस 0.4777 इस तरीके से मिलेगा। ओके, तो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.4777 फ्रॉम इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ x, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस ये हो गया x, दिस विल बी 9x इज इक्वल टू 4.3, एक्स इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9 डेसिमल रिमूव, सो दिस विल बी 43/90। और देखिए इसकी ट्रिक में बता देता हूँ, दूसरी ट्रिक कैसे है, 0.47 लिखा हुआ है, आप नंबर को एज इट लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है, अपॉन 9 तो रहेगा ही, और बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, एक डिजिट तो 9 रहा और एक डिजिट और थी तो उसके लिए 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 43/90। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। ओके, इफ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।